ठीक है, तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि अभी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सीजन काफी ज्यादा क्लोज है, तो जब तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का इंटरव्यू नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर होने वाला है, फिर आजकल में, तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो तुम्हारे होते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना। क्योंकि जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया था या क्योरफिट का दिया था, तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा था क्योरफिट के टाइम पे, क्योंकि यार स्टार्टअप्स के ना मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, बट इसका सॉल्यूशन है इस वाली वीडियो में। एंड नॉर्मल कंपनीज के भी जो तुम्हारी एमएनसीज हैं उनके भी मिल जाते हैं, बट तुम ट्राई नहीं कर पाते, एंड वो भी सॉर्ट होने वाला है। इसके अलावा यार, जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चाहे प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हो चाहे इंटर्नशिप्स के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए ना OSGBMS, OOPS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सारे ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, ये भी पढ़ने पड़ते हैं हमें। तो इनके लिए गाइडेड पाथ्स कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमें करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, एंड उन सबकी डेफिनेशन वगैरह तो मैं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। सो हाय गाइस, मैं निशान चाहता हूं आज की वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में ही बात करने वाले हैं, तुम्हारे इंटरव्यू प्रिपरेशन को थोड़ा सा ईजी कर देंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑल्सो यार चेकआउट CodeIn10, ठीक है, नया चैनल स्टार्ट किया, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लेना जल्दी से। एंड वहां पे हमने अभी 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, एक अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, एक हमने कल कर दी थी, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। रिकर्जन से स्टार्ट किया है, काफी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ज्यादा कमेंट्स थे, सारे काफी अच्छे थे, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है कोड स्टूडियो एंड दिस इज बाय कोडिंग निंजास। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, एक रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे तुमसे इनमें से किसी भी चीज को यूज करने के लिए। तो बारी बारी सारी चीजों पर जाते हैं। सबसे पहले यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, वो थी तुम्हारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। जैसे तुम्हें अमेजोन के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखना, तो हमने अमेजोन पर क्लिक किया तो यहाँ पे ना सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। अब जैसे इसमें अमेजोन SG1 का आ गया, SG1, इसमें साथ साथ ये भी बता देता है कि इस बंदे को रिजेक्ट किया हुआ है या फिर सेलेक्ट किया हुआ है, एंड पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड यहाँ पे अपवोट्स है कि अच्छा ये अच्छा था या बेकार था, क्या था, पूरा सीन दिखाते हैं। अब जैसे हमने ये वाला खोला, अमेजोन इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर फ्रेशर SG1 August 2019, ठीक है, साथ में लिंक्डइन प्रोफाइल भी है जिस बंदे का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उनका। एंड यहाँ पे तीनों राउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं बता देते हैं ऑनलाइन टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आए थे, MCQs कितने थे, उसके बाद प्रॉब्लम कौन सी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा राउंड 2 जो होता है फेस टू फेस राउंड में, बता देते हैं कि नेक्स्ट ग्रेटर नंबर विद सेम सेट ऑफ डिजिट्स, ये हमारा प्रॉब्लम था। एंड इसमें तुम्हें दोनों प्रॉब्लम्स बता दी, सिमिलरली जो तुम्हारा नेक्स्ट राउंड है उसमें भी सेम चीज़ यहाँ पर दिखा देता है फेस टू फेस राउंड में कौन से हैं। प्लस यहाँ पर तुम्हें एप्लीकेशन प्रोसेस मिल जाती है कि लाइक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या थी। तो इस बंदे ने बताया हुआ बेसिक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, पार्टिसिपेट इन लाइव कॉन्टेस्ट ऑन वेबसाइट्स लाइक कोडशेफ, कोड फोर्सेस एक्सेट्रा एज मच एज पॉसिबल, प्रैक्टिस प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लीड कोड एंड गीक्स फॉर गीक्स। तो मतलब भाई इसने बस प्रैक्टिस किया हुआ है काफी अच्छे से। लाइक तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 6 CGPA चाहिए होती है, तो ये अमेजोन का है। अब जैसे हमने फेस टू फेस वाले को ट्राई प्रॉब्लम पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, हमें प्रॉपर प्रॉब्लम बता देते हैं। अब यहाँ पे हम उसको कोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमें कितना टाइम लगा, एंड अगर तुमसे यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व नहीं हो रही है तो तुम हिंट यूज़ कर सकते हो। तो हिंट यूज़ करके तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा समझ नहीं आ रहा, चलो ये कर लेते हैं। जैसे इंटरव्यूज़ में भी होता है, तुम्हें इंटरव्यूअर्स हिंट देते रहते हैं, अगर तुमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती तो तुम्हें हिंट दे देते कि यार ये इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, या फिर तुम्हें एक चीज़ बता दे कि ये वाली चीज़ ट्राई करके देखो, ये वाली चीज़ सोच के देखो। तो वो रियल वर्ल्ड पूरा तुम्हारा रियल लाइफ वाली चीज़ यहाँ पर ट्राई करी गई है। उसके बाद साथ में यार पे ना डिस्कशन भी मिल जाता है, तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम यहाँ पर डिस्कशन में डाल सकते हो एंड कोई ना कोई तुम्हें रिप्लाई कर देगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। सिमिलरली अगर हम और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखें, हमने अमेजोन का देखा, अब जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट का देखा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले पे क्लिक किया हमने, सिमिलरली यहाँ पे सारा बता देता है कि कितने राउंड्स होते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस में तुम्हें बता देता है कि क्या क्राइटेरिया है, मतलब तुम्हारी पूरी जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान करती है। तो तुम्हारी MNCs हो गई, MNCs के मिलना वैसे भी काफ़ी ईजी होता है, बट स्टार्टअप्स के मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे Zomato का हम देखें, तो जैसे यहाँ पे हमें Zomato का भी मिल जाएगा। अगर हमें Zomato का देखना है, सेम वही चीज़ करेंगे, जाएंगे, इसमें बंदा सेलेक्ट हो गया था तो इंटरव्यू प्रोसेस सेम यहाँ पे बता देगा, कौन सी प्रॉब्लम आई थी वो बता देगा, तुम जाके प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे फिर राउंड्स वगैरह बता देते हैं कि अच्छा इसमें आया था, इसमें आया था। जो हमें पहले ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी ना कि यार ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस में किस क्या पूछा गया था, कैसे होता है, मतलब इस कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में या फिर इस कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, वो सब समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि इसमें लो लेवल डिज़ाइन पूछा जाता है, किसमें हाई लेवल डिज़ाइन पूछा जाता है, किसमें लाइक सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, किस पर सब्जेक्ट्स पर फोकस नहीं किया जाता, तो हमें वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तुम यहाँ से सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत सारी कंपनीज के कर सकते हो। तुम यहाँ पे देखो 5 to 5 more कंपनीज, मतलब अराउंड 550 के आसपास कंपनीज हैं यहाँ पे, एंड रोल्स भी बहुत सारे हैं। तो
इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड नेक्स्ट चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी यार कि जब हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें OS, GBMS, OOPS ये सारे सब्जेक्ट्स भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना प्रॉपर तुम्हें गाइडेड पाथ्स मिल जाते हैं। तो हमने जैसे DBMS वाला गाइडेड पाथ पकड़ा, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें बता दिया कि हमें फर्स्ट क्या करना है। जैसे हमने पहले DBMS वाला खोला, इसमें हमें समझना है कि रिलेशनल मॉडल्स क्या होते हैं। मैंने रिलेशनल मॉडल वाले पे गए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पूरा ER डायग्राम वगैरह समझा दिया, यहाँ पे नोट्स वगैरह भी मिल गया यार, PDF ER मॉडल समझा दिया हमें, ER मॉडल क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन हमें यहाँ पे सारी मिल जाएगी। उसके बाद यार हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें रिलेशनशिप्स का पूरा समझ आ जाएगा, तो तुम्हें वन स्टॉप सारा सॉल्यूशन मिल जाता है कि तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अगर थोड़े क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी कर सकते हो। तुम्हें अगर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और लाइक उसके साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं तो हम पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं कहीं से भी, एंड काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बट उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो यहाँ पर तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो साथ के साथ। इसके अलावा यार कुछ लोग जब TCS या इन्फोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उनके लिए, उनको अगर पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन पाथ चाहिए, यार मेरे को TCS NQT में पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन पाथ चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड तुम्हें बता देते हैं कि यार ये चीज़ें करनी है, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग वाले मॉड्यूल करना है, इसके अलावा इंग्लिश का मॉड्यूल तुम्हें सीखना पड़ेगा और पैटर्न्स वगैरह, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें साथ साथ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी और तुम्हारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी आती है वो आती है प्रॉब्लम्स। तो यार यहाँ पे ना तुम्हें हर लाइक टॉपिक की प्रॉब्लम्स मिल जाती है, यहाँ पे 2000 प्लस प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे यहाँ पे ये बता भी देते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सी कंपनीज में पूछा गया है, एंड उससे तुम्हें ईजी हो जाता है। मतलब अगर तुम्हें किसी कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, जैसे मेरे को अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट के लिए करनी है, तो मैंने अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट के टैग्स डाल दिए, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट वाली ही आएंगी। एंड उसके बाद मेरे को अगर टैग्स डालने हैं, मेरे को ट्रीज के करने हैं बस, या बाइनरी ट्रीज के करने हैं, तो वाले टैग डाल दिए, उनको गया। अब LCOF 3 नोड्स वाला क्वेश्चन मैंने पकड़ा, पढ़ा, यहाँ पे अपना कोड करने का ट्राई करा। उसके बाद डिस्कशन में अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे जैसे लोगों ने डिस्कशन में चीज़ें डाली हुई हैं, तुम वहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हो, एंड उसके बाद सॉल्यूशन भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो शो हिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें हिंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये तुम्हारा एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, तुम्हें कॉन्टेस्ट देना। मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि कॉन्टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड यार कोडिंग निंजास कोड स्टूडियो पे हर वीक कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराता रहता है, तुम देख सकते हो। एंड जो हमारा न्यू वाला चैनल है उसके साथ भी अब हम हर टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह कराते रहेंगे, सो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है उससे रिलेटेड भी। एंड इनमें पार्टिसिपेट करने से तुम्हें प्राइजेस वगैरह भी मिल जाते हैं, और प्राइजेस मिलने के अलावा में इन जनरल काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। एंड तुम मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जैसे यहाँ पे तुम्हें अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, गूगल का ऑनलाइन, एडोबी का, फ्लिपकार्ट का, ऊबर का, ये तुम देख सकते हो, यहाँ पे सबके मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। जैसे हमें फेसबुक ऑनलाइन टेस्ट करना है तो व्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट टेस्ट, तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 90 मिनट्स में 3 प्रॉब्लम्स करनी होगी, एंड सब कुछ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये वाली चीज़ें सब कुछ प्लेटफॉर्म्स में पेड होते हैं, सारी चीज़ें कुछ भी फ्री नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इसके अलावा कुछ नॉलेज सेंटर में तुम्हें लाइब्रेरी वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं, तुम्हें PDF वगैरह मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तुम वो भी जाके पढ़ सकते हो। एंड एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो तुम यूज़ करोगे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। And that is it. Sir, thank you so much for watching the video. I hope तुम्हें ये video अच्छी लगी हो। इसके अलावा यार न्यू चैनल स्टार्ट किया है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जरूर कर लेना। तुम्हारा आज एक और लेक्चर आया होगा वहाँ पर रिकर्जन का, सेकंड वाला, तो देखना, फर्स्ट वाले पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था, ऐसे प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।